जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत्य स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। आठ गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय वह एक ही गुण सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन, मनुष्य लोक में ये आठ गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से चार तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और चार का स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये चार सज्जनों के पीछे चलते हैं और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन चारों का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के आठ प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले चारों का तो दंभ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम चार तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वह बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन हैं। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और षट मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में वह कार्य करे जिससे रात में सुख से रहे, और 8 महीने वह कार्य करे जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की,
निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है, वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं और छिपे-छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये तीन प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के होते हैं। जंघा से होने वाले कार्य अधम है और भार ढोने का काम महा अधम है।